हादसे की जगह का मुआयना कर सकते हैं सीएम मोहन यादव, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम, हरदा में खुद घटना की समीक्षा करेंगे सीएम मोहन यादव, इसके अलावा अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी लेंगे। कल भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और ऐसे में उनके इलाज के लिए किसी भी तरह की खामी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम मोहन यादव नजर आए थे। इसके अलावा मुआवजे का भी ऐलान किया गया था सरकार द्वारा, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम मोहन यादव। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, आज हरदा जाएंगे सीएम मोहन यादव, मौके पर पहुंच सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं और साथ ही हादसे की जगह का मुआयना करने के लिए सीएम मोहन यादव आज आ सकते हैं, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे सीएम मोहन यादव। तो अधिकारियों से घटना की जानकारी लेते हुए आज नजर आएंगे कि आखिर क्या पूरा माजरा था, अब तक इस पूरे मामले पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कल भी सीएम तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए, आज चूंकि तमाम अधिकारियों से एक बार फिर मुलाकात करेंगे और साथ ही घटना की समीक्षा भी करने पहुंच सकते हैं हरदा सीएम मोहन यादव, क्या कुछ पूरी जानकारी अभी सामने आ रही है आपके पास? देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा जाएंगे, इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 3 बजे सीएम हरदा पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के कल निर्देश थे कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो, जो बात कही थी होम सेक्रेटरी मामले की जाँच मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और उसकी भी समय सीमा तय की गई थी कि एक दिन में ये रिपोर्ट सौंपी जाए और आज मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट मिलेगी। जहां तक कार्रवाई की बात है तो बड़ी कार्रवाई होगी इस बात के संकेत कल ही दे दिए गए थे और पूरी रिपोर्ट के आधार पर कौन कौन दोषी हैं, कौन कौन जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कार्रवाई ऐसी होगी कि मध्य प्रदेश के लिए नज़ीर बने। इसके साथ ही एक और निर्देश मुख्यमंत्री के हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो समूचे मध्य प्रदेश में कहां कहां जो पटाखों का अवैध रूप से भंडारण है, कहां कहां पर पूरे प्रदेश में फैक्ट्रियां संचालित हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट आज मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों से मुख्यमंत्री ने तलब की है, आज रिपोर्ट मिलेगी और उसके बाद भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम बात करें, मुख्यमंत्री 3 बजे हरदा पहुँचेंगे, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जो मौके पर अधिकारी मौजूद है, जिनको मौके पर मुख्यमंत्री ने भेजा है, उन तमाम अधिकारियों से मुख्यमंत्री खुद चर्चा करेंगे, जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है किन बिंदुओं के आधार पर की जा रही है और ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई पक्ष छूटा हुआ हो, उसका मौके पर जाकर ही मुआयना करेंगे। पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री जो है मिलेंगे। फिलहाल जो मौका घटना स्थल है वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे ये फिलहाल तय नहीं हो पाया, क्योंकि तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम वहाँ पर देखना होगा, क्योंकि कल की हम बात करें जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जब मलबा हटाया जा रहा था तो उस दौरान भी एक धमाका हुआ था, तो ये पूरी जो सिक्योरिटी है वहाँ पर, जो सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं वहाँ पर, अभी ऐसा तो नहीं कि कहीं पर और मलबा दबा हो, वहाँ पर के धमाका हो सकता है, ये तमाम जो जानकारी अपडेट होगी, तमाम सुरक्षा की जो व्यवस्था पूरी अपडेट होगी, उसके बाद यदि सब कुछ वहाँ पर ठीक रहता है तो मुख्यमंत्री मौके पर पहुँच सकते हैं। लेकिन हरदा में जब वो मुख्यमंत्री पहुँचेंगे वहाँ पर पीड़ितों से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, घटना कैसे हुई ये भी मुख्यमंत्री खुद जो पीड़ित हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो तमाम तरह की रिपोर्ट सरकारी स्तर पर तैयार की जा रही है, लेकिन जो लोग हैं उनका पक्ष भी आए सामने, लोगों से खुद मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और ये तय है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री की आज दिनभर की बात करें तो आज विधानसभा मध्य प्रदेश में है, रिपोर्ट जल्द ही तमाम कलेक्टर जो है वो सीएम को सौंप देंगे, उसमें तस्वीर भी कई हद तक साफ हो जाएगी। आप बने रहिए राकेश, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। चलिए, वहीं कल सीएम मोहन यादव ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचकर हरदा ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है।